YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जो कि अभी आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, तो ऐसे शेयर में आपको जरूर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये शेयर काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है। साथ साथ ये ब्लू चिप शेयर्स हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स काफी सेफ होते हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर के, किसी से उधार और कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी सेविंग्स है उसी को इन्वेस्ट करें और उसी से आप अपना रिटर्न जो है क्रिएट करें। अब ये सबसे पहला यहाँ जो स्टॉक्स है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी बेहतरीन FMCG की लीडर कंपनियां और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। अगर यहाँ पर बात करें, इसका जो सपोर्ट रीजन था वो था यहाँ पर 2320 रुपीज, तो इसके आसपास ही ये फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पर रिवर्सल का साइन दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर रिवर्सल साइन तो दिख लिया, यहाँ हो सकता है फिर से ये अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करे या तो सपोर्ट को ब्रेक करे। तो यहाँ पर SIP मोड में आपको क्या करना है, जिस भी डिप आप मिले हर डिप पर इस स्टॉक्स को आप बाय करते चाहिए। आप इस स्टॉक को जितनी लंबी चाहे उतने लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी बेहतरीन एक मल्टी बायर रिटर्न देगा। अगला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी काफी बेहतरीन और काफी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है और ये भी काफी गिरावट के बाद आपको मिल रहा है। और ये स्टॉक्स का जो सपोर्ट रीजन था वो था 3400, लेकिन उसके आसपास ऊपर ही ये स्टॉक सपोर्ट लिया लगभग 3470 रुपीज पर और ये रिवर्सल का साइन यहाँ पर दे चुका है। तो फिर से अगर ये यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन ये अपना क्रिएट कर चुका है 3500 उसके आसपास मिलता है या किसी भी गिरावट में आप इस स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। निश्चित रूप से काफी मल्टी बैगर रिटर्न देगा आपको आने वाले समय में जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो देखिए, ये सारे जो स्टॉक्स बोल रहे हैं ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट में आपको ऐड करना है और भूल जाना है, बाय एंड फॉरगेट टाइप के स्टॉक्स हैं। फिर उसके बाद जो बेहतरीन स्टॉक्स के कैटेगरी में आता है वो है HDFC लाइफ। ये भी काफी बेहतरीन फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स है और ये भी अपने सपोर्ट रीजन देखिए जो कि है 660 रुपीज उसके पास आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर रिवर्सल का साइन दे चुका है और अभी ये 700 पे पहुंच चुका है। तो ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स को भी आप हर गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है कॉलपाल। देखिए, कॉलगेट काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर यहाँ पर बात करें, ये भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हाई जो लगाया है 1820 रुपीज का, वहां से ये स्टॉक्स काफी गिरावट मिला, अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है। ये स्टॉक को ज्यादा ही चार्ट पे वीक लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिवर्सल का साइन दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे रिवर्सल कंफर्म होता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। हर गिरावट में जितना भी गिरावट मिले आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, निश्चित रूप से काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। अगला है मुथूट फाइनेंस, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक। देखिए, ये लगभग 1720 रुपीज का हाई लगाया, वहां से काफी ज्यादा गिरावट में ये स्टॉक्स अभी मिल रहा है, लगभग 1400 पर यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से यहाँ रिवर्सल का साइन दे चुका है। यहाँ पे भी हर गिरावट में आप मुथूट फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और जो इसका सारे के स्टॉप लॉस है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सबका जो सपोर्ट रीजन है वही स्टॉप लॉस है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस होता है तो आप जो है एग्जिट कर सकते हैं या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते हैं तो और गिरावट में और ज्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल्स वाले काफी जबरदस्त स्टॉक है जिसका ऊपर जाना फिर से तय है। तो ये ऐसे स्टॉक है जो गिरावट में बाय करना है, फिर से ऊपर जाएगा तो वहां पर आपको सेल करना है। अगला है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो काफी ज्यादा वीक है अपने चार्ट पर, लेकिन यहाँ पर गिरावट में आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक का जो मतलब हाई है वो है 4357 रुपीज और ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है अभी मात्र 3328 रुपीज पर। ऐसे जो बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं वो काफी सस्ते प्राइस पर भी आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है और यहाँ पर रिवर्सल का साइन भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। तो अगर ये 3230 रुपीज इसके नीचे नहीं जाता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न देगा आपको। उसके बाद अगला है डाबर। देखिए, डाबर भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है। डाबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन है वो है 575 रुपीज का।
तो इस रीजन को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऐसे अब इस दिन जो है ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। फिर अगला स्टॉक्स है हीरो मोटर कॉर्प, ये भी काफी जबरदस्त फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है, टू व्हीलर की लीडिंग कंपनी है। ये स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरावट में मिल रहा है, मतलब चार्ट पे काफी वीक है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को हमें जब ये वीक दिख रहा है मतलब काफी गिरावट में स्टॉक्स मिल रहा है तभी ऐड करना चाहिए। इस स्टॉक्स ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो है 3588 रुपीज का, और अभी देखिए मात्र मिल रहा है 2472 रुपीज पे, तो काफी ज्यादा ये स्टॉक्स वीक है, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड है। टेक्निकल चार्ट पे वीक है तो यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिलता है तब आपको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ये भी काफी जबरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक्स, फोर व्हीलर की लीडिंग कंपनी, और ये हाई लगाया है अपना ऑल टाइम 8355 रुपीज का, और ये स्टॉक्स अभी मिल रहा है मात्र 7325 रुपीज का, और ये लो लगा चुका है लगभग 7000 का, और ये लो लगा चुका है 7000 का, तो वहां से रिवर्सल इसमें भी दिख रहा है साफ स्पष्ट, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये कुछ थे बेहतरीन स्टॉक्स जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है हर गिरावट में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले जो स्टॉक्स है इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है किसी भी गिरावट में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।